हेलो गाइस, मैं हूँ आर चेमिनी और मैं लाया हूँ एक नए एनिमी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द एंजल्स नेक्स्ट डोर। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कुछ सामान लेके जा रहा होता है, जिसे उसके बाद एक पार्क में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत उदास होती है। जो लड़का होता है वो उसको उसका नाम फुजी मियाँ होता है। तो फुजी मियाँ पहले इस लड़की को इग्नोर करता है और वो थोड़ा चल के रुक जाता है और उसे लड़की के पास जाता है और उसे अपनी छाता देता है। वो लड़की फुजुमिया की ओर देखती है। उस लड़की का नाम माहिरो शिनन होता है। तो फुजुमिया उससे कहता है, अगर तुम ऐसे ही बैठी रहोगी तो तुम्हें बुखार हो जाएगा, तो ये छाता लो और घर को जाओ। जो माहिरो होती है वो कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फुजुमिया उसे छाता दे देता है और वहाँ से चले जाता है। माहिरो उसे थैंक यू कहती है, लेकिन तब तक फुजुमिया वहाँ से चले जाता है। तब तो हमें इंट्रो में बताया जाता है, ये वो टाइम था जब मैं एंजल से मिला। अब हमें अगला सीन सेजियो हाई स्कूल का दिखाया जाता है। यहाँ फुजुमिया अपनी बेंच में बैठा होता है, लेकिन वो बहुत छींक रहा होता है, उसे बुखार हो गया होता है। तो फुजुमिया का दोस्त उससे कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी वहाँ माहिरो आ जाती है। वो अपनी दोस्तों से बात कर रही होती है और सभी लड़के उसकी ओर देखने लगते हैं। तो फुजुमिया हमें बताता है, जो माहिरो का निकनेम है वो द एंजल है। वो पढ़ाई में अच्छी है, टॉप करती है, उसका प्रिटी फेस है और वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी है और दूसरों की मदद भी करती है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। स्कूल का हर लड़का उसे डेट करना चाहता है। तभी फुजुमिया अपने से कहता है, वो मेरी औकात से बाहर की है। अब हमें अगले सीन में फुजुमिया अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में होता है। उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलता है, माहिरो उसकी छाता लेके उसके सामने खड़े होती है। तो फुजुमिया कहता है, तुम्हें इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन माहिरो कहती है, ज़रूरत थी। लेकिन तभी माहिरो फुजुमिया को देखती है तो उससे कहती है, क्या तुम्हें फीवर हो गया है? तभी फुजुमिया कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेन देना नहीं है। फुजुमिया उसे छाता लेके अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है कि तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है। तभी वहाँ माहिरो उसको पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगी, मुझे तुम्हारा फीवर लौटाने दो। तभी माहिरो फुजुमिया को उसके अपार्टमेंट में ले जाती है। तो वो देखती है कि जो फुजुमिया का अपार्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, चारों तरफ कबाड़ पड़ा होता है। तभी माहिरो अपने से कहती है, मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। तो फुजुमिया से कहती है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और फुजुमिया से कहती है, तब तो तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। तो फुजुमिया कहता है, अभी क्या तुम वापस आने वाली हो? तो माहिरो कहती है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो वो अपने अपार्टमेंट चली जाती है। तो तभी फुजुमिया कहता है कि मैंने इस बारे में अपने स्कूल में किसी को नहीं बताया, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में आया था, जो मेरी नेबर थी वो और कोई नहीं, द एंजल थी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फुजुमिया अपने बिस्तर में लेटा होता है। जहाँ फुजुमिया अपने बिस्तर में लेटा होता है, तभी धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने माहिरो बैठी होती है। तो फुजुमिया माहिरो से कहता है कि कितना बज रहा है? तो कहती है कि 7:00 बज रहे हैं, तुम 2 घंटे से सो रहे थे। तो फुजुमिया उसका शुक्रिया कहता है। तो माहिरो से पूछती है, क्या तुम्हें ठीक हो? तो फुजुमिया कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो माहिरो से दोबारा से कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो फुजुमिया कहता है, हाँ शायद। तो माहिरो कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। तो फुजुमिया हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो माहिरो कहती है, मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे आता ही होगा। तो माहिरो कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तुम अपना टेम्परेचर चेक कर लो। फुजुमिया अपनी शर्ट ऊपर करके अपना टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। तो माहिरो अपनी चेहरा उस तरफ दूसरी तरफ करके कहती है, शायद होती हुई कहती है, मेरी जब मैं कमरे से चले जाऊँ तो अपना टेम्परेचर चेक करना। जो आसपास के और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो माहिरो क्यूट है, अब मुझे समझ में आया वो क्यों कहते हैं। थोड़ी देर में माहिरो उसके लिए खाना बना लाती है। फिर माहिरो उसको खाना देती है। फुजुमिया उसको देख रहा होता है। तो माहिरो पाउडर बना के कहती है, क्या तुम्हें भी अब मैं ही खिलाऊँ? फुजुमिया कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना आता है। तो माहिरो कहती है, मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे बनाना आता ही होगा। तो फुजुमिया फिर खाना टेस्ट करता है और वो कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो माहिरो
एक स्माइल करती है और कहती है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन तुम्हें खाना बनाने से पहले अपना कमरा कैसे साफ करते हैं वो देखना सीखना चाहिए। तो फुजीमा फिर बाद में उससे पूछता है कि तुम ऐसे उस दिन बारिश में क्यों बैठी हुई थी, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई है। तो माहिरो कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फुजीमा कहता है ऐसा क्यों। तो माहिरो फुजीमा से कहती है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो फुजीमा कहता है तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, तुम्हारे एक या दो बॉयफ्रेंड तो होने ही चाहिए। माहिरो को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना और न मैं बनाना चाहती हूँ अभी, और मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड बनाए। तो फुजीमा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था। माहिरो भी उससे सॉरी कहती है, कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गई। तो माहिरो कहती है मैं बस अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करने गई थी। तो फुजीमा कहता है कि अब हमारी एक अनजानी मुलाकात थी, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि स्कूल में किसी को पता चला था वो कोई गलत आइडिया लेंगे और मुझे नहीं लगता कोई एक अच्छा रीज़न होना चाहिए जिसे तुम पसंद नहीं करते हो उसकी मदद करने का, और जो तुमने मेरी मदद की है उसके बदले तुम कुछ फेवर जुड़ना चाहती होगी। तो माहिरो तो सोचते हुए कहती है हाँ शायद। तो फुजीमा कहता है मैं इससे ठीक हूँ और मुझे शांति महसूस हो रही है। और वो माहिरो से कहता है तो कुछ एंजल को भी कुछ चीज़ परेशान करती है। तो माहिरो कहती है मुझे ये कहकर मत बुला रहा करो। तो फुजीमा कहता है मुझे जान के अच्छा लगा कि अब हम बिना कोई अच्छे कारण के आपस में नहीं मिलेंगे। तो माहिरो पूछती कहती बस वो फुजीमा के चेहरे को देख के हल्का सा मुस्करा देती है। फिर उसके बाद माहिरो अपने अपार्टमेंट में चले जाती है। फुजीमा होता है वो आराम कर रहा होता है और अपने से कहता है कि कल से हम फिर से अनजान लोग बन जाएंगे। तो थैंक यू गाइस मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज़।